हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज हम जिस वीडियो पे रिएक्ट करने वाले हैं वो वीडियो बहुत ही मज़ेदार होने वाली है और इस वीडियो में आप लोग वेट भी कर रहे थे। तो आज हम जिस वीडियो पे रिएक्ट करने वाले हैं वो है एल्विश यादव। वो जेल से बाहर आ चुके हैं, फाइनली वो जेल से बाहर आ चुके हैं। तो उन्होंने प्रॉपर पूरा व्लॉग बनाया जो मैंने नहीं देखा। बाय द वे, मैं एल्विश के सारे व्लॉग्स देखती हूँ लेकिन मैंने अभी उन पर रिएक्शन नहीं दिया। तो मैंने सोचा कि ये व्लॉग मैं एले में नहीं देखने वाली, आप सबके साथ देखने वाली हूँ और उसके बाद में अपना रिएक्शन दूंगी कि क्या हाँ क्या नहीं। तो इस बात की काफ़ी खुशी है मुझे, एल्विश बाहर आ चुके हैं। तो अभी मेरा टाइम वेस्ट किया है और स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। राम राम भाई सभी को, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। मिस करा मुझे नहीं करा ये तो कमेंट सेक्शन में बताओ। चलो पहले कमेंट में बताओ, व्लॉग रोक के ना मुझे कमेंट करके बताओ। हाँ, सच्ची सच्ची सच्चे मन से कि तुमने मेरे व्लॉग को मिस करा नहीं करा। मैंने बहुत मिस किया। और आज हमारे साथ हमारे जिया जी भी हैं। हेलो, थाईलैंड से स्पेशल आ रखे हैं, मिल के आते हैं लोंडे से। लोंडे को लेके आते हैं साथ में। हाँ, साथ में आ गए, अब लेके भी आ गए बाहर। और चलो जो भी हो भाई, देखो एक हफ्ता जो गया अपना, नो डाउट वेरी बैड फेस ऑफ लाइफ। उतार चढ़ाव चलते रहते हैं जिंदगी में, सीखने को ही मिलता है। बिल्कुल, अंदर की तो चलो क्या ही बात करनी, मेरे को अपना नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं अच्छे वाला ऑन अ पॉजिटिव नोट। तो जितने मेरे भाइयों ने मेरा सपोर्ट करा उन सबको दिल से धन्यवाद, जिनने नहीं करा उनका भी धन्यवाद, जिनने बुराई करी मेरी उनका भी धन्यवाद, जिनने अच्छाई करी भाई सब उनका भी धन्यवाद। हम तो धन्यवाद कह सकते हैं सभी लोगों को। और अभी अपने काम धंधे पे वापस आ गए, जितना भी अपना नुकसान हुआ अंदर जाके वो रिकवर कर रहे हैं। उससे पहले जब दाढ़ी वाड़ी बड़ी होगी ना, अंदर सुविधा नहीं होती एक्चुअली बाल बुल कटाने की, तो बाल बुल कटाने जा रहे हैं साथ में दोनों जने। मगर चलो घूम के आते, गुड़गांव घूमने बहुत टाइम हो गया, एक हफ्ता हो गया बाहर निकले। हमारी भी बढ़ गई भाई दाढ़ी है, पूरी टेंशन में। पापा की तो सारे दौड़े हो गए, सब कपड़े धो रही है दाढ़ी भाई, पार्ट ऑफ लाइफ। क्या कहते हो जब तू उस दिन संडे को खाना छोड़ा था कॉमनली, ना संडे खाया ना मंडे ट्यूसडे, मग भाई ऐसे तो हो जाएगा, मग चल तू। फिर वेंसडे को सुबह टिकट बुक कराई और शाम के हमने चलो सब भाई परेशान हो जाते हैं। पर मुझे एक चीज़ तो पता लगी, देखो इस वाले पूरे सिनेरियो में कि अपने तो अपने ही होते हैं। सही बात है, नो डाउट, जो अपने लोग होते हैं वो अपने ही होते हैं। एक सेकंड फ़ोन आ रहा, वो उठाओ। तो पहले जैसे गाड़ी लेके निकल जाते थे रातों को, वो थोड़ा मिस करा मैंने, और भी बहुत सारी चीज़ें मिस करी, अपनी दोस्तों गल बैठना, मस्ती। पर चलो कोई नहीं, हमें तो देखो अपनी न्यायपालिका पर भरोसा पूरा, जो होगा सही होगा, ना हम कुछ गलत कहते ना हम कुछ गलत कहते। अपने बाल कटवाने जा रहे हैं, दाढ़ी सेट करवाने जा रहे हैं, फिर गुजरात में सूरत में होली मनाएंगे। और जो जो देख रहा भाई सभी को मेरी तरफ से हैप्पी होली, हैप्पी होली सबको। भगवान ने थोड़ी कृपा बरसा दी मेरे पे, जो अपने घर वालों के साथ होली मनाऊंगा मैं, ठीक है। बात कर सकते हैं, ठीक तो वैसे क्या ही है, ठीक तो वैसे क्या ही है, अभी धीरे धीरे लगेगा है मम्मी पापा इन सबको, पर सब ठीक है यार, टेंशन मत ले जा रहे हैं। टेंशन हम तो पानी की तरह कहीं भी डाल दो वहीं वैसे बन जाते हैं। कहते हैं सबकी ज़िंदगी में भाई, किसी के बड़ी है किसी की छोटी है, हमारे बड़ी थी छोटी थी। बड़ी थी काफ़ी काफ़ी बड़ी थी, काफ़ी बड़ी भाई, सीरियसली। लेकिन चलो इसको भी फेस कर रहे हैं, चलो अच्छा हुआ इन चीज़ से बाहर तो आ गए। तो नहीं चाहेंगे भाई, भगवान ना करे किसी की लाइफ में ऐसी दिक्कतें आएँ कभी जैसे हमारी लाइफ में आई, बट इट्स ओके, पार्ट ऑफ लाइफ, इसको भी काट देंगे, टाइम है निकल जाता है, अच्छा भी बुरा भी। कोई पता नहीं कौन सा टाइम कौन सा गुजर रहा, कब तक गुजरेगा, कब गुजरेगा, कब नहीं गुजरेगा, देखते हैं। अपने काम धंधे पे फोकस करते हैं, बैक ऑन ट्रैक, बैक ऑन लाइफ। ला भाई दाढ़ी वाड़ी सेट। वेलकम है जी, वेलकम है भाई, है भाई का वेलकम है, हमारा घर है तो रहते हैं भाई, रहते तो हम भी यही है। चलो भाई बढ़िया बाल काटते हैं, ऊपर से भी काटने चलता है थोड़ी बहुत, ऊपर से बढ़िया लग रहा है, छोटे लग रहे हैं, दाढ़ी सेट होगी। अब क्या करना भाई, बाल बुल दो, कर दो भाई, कर दो, इधर चलना है, चलना कहीं पे, यही कर दो, यही कर दो, कोई दिक्कत नहीं, कर दो भाई। भाई साहब हमारे साथ पेंगुइन है, हमारे साथ हमारा घर का खाना है, छोले
इनने पता क्या कर रखा था, इन्हें छोले भटूरे मंगाए थे मेरी आने की खुशी में, और वही छोले में तब रोटी के गल को आ रहे यार, वही प्याज है वो बहुत बोरिंग दिखाओ अपने, वो तो मोटा होगा भाई। अरे बेटा छोड़ दे इसको, छोड़ दे, आ जा रोटी खा ले, आ जा आ जा मम्मी यू क्या है बच्ची, ओए ओए इसे संभाल के रखो भाई, ऐसे मत छोड़ो इसको, इसे ऐसे मत, बेटा आराम से बैठ जा। ये दो किताब लेके आया हूँ मैं वहाँ से, हटाना दिखाने में क्या लिख रहा है, जीत आपकी। मैं कह रहा हूँ पानी बिखेर देगी मम्मा, बिखेर चुकी है, पानी बिखेर देगी ओए ओए हीरो, ये पानी अभी भी खेल ही नहीं है। बढ़िया बिखेर बिखेर मना बिखेर दे बिखेर दे, एक काम कर सबको तोड़ दे इधर, ये भी तोड़ दे, इसे इले इसे फाड़ दे, ले ले बेटा ले, ये ना चाहिए तुझे, ले ले भाई ताली मार दी तो इनाम है तुझे, ले इस पे ताली मार दे, हाई फाई कर दे, आ जा ले जल्दी मार, ताली नाम है वो कर दे, आटा वाटा कर दे, आटा वाटा चल, फाइनली फैमिली के पास वापस आ गए भाई, ये तो ना कर दे भाई, फ्लाइंग किसी कर दे, फ्लाइंग आ गई, कुछ भी ना कर रही हो तो यो यार कोमल यार क्या सिखाया यार, कुछ नहीं सिखाया, मामा कह दे, मामा मामा बोल दे ना, कह रही कुछ नो इनाम, नो मामा नो इनाम, ये वाली किताब देना है ऊपर वाली, नीचे वाली, नीचे वाली भाई, ये वाली किताब पढ़नी शुरू करी है, प्रमोशन नहीं है, ये वाली किताब पढ़ता हूँ, भाई ने गिफ्ट करी है मुझे अंदर से ना, कह रहा भैया ये किताब जरूर पढ़ना, एक भाई था हमारे उधर, मैं कहा ये किताब जरूर पढ़ेंगे भाई, थोड़ी सी तो पढ़ी है मैंने, काफ़ी अच्छी है, और एक ही है, दो किताब मिलती है मेरे को, ये देखो दूसरी है एटॉमिक हैबिट्स, जेम्स क्लियर का हिंदी एडिशन दिया उधर, हिंदी मिलती थी, बटा तू भी पढ़ ले एक किताब, आ जा मेरे दो, आ जा कैसे बीते आपके साथ दिन, बहुत बोरिंग सी है, इट्स ओके पार्ट ऑफ लाइफ, कम टू मी, बालक ये बड़ी शरारती हो रही है, बड़ी शरारती हो रही है, आ जा मोटे तू, आ जा मेरे थोड़ा, वे अपना बालक संभाल रहे तो अपना बालक संभाल ले ले, हाँ भाई तेरी मम्मी कमजोर हो गई बताओ, इट्स ओके पार्ट ऑफ लाइफ, मैंने तो पूरी नींद आ रही थी, देख भाई सब पैकिंग चल रही है बहुत तेजी से, एक बैग हमारा गुम हो गया अभी, मम्मा एयरपोर्ट पे क्या पहनना मैंने, देखो तो पूरा पता होगा ना, वाओ नाइस जवाब, मैं सोच रहा हूँ ये दोनों पहन लूँ, ये कॉम्बिनेशन कैसा है, पक्की बात है, इसके नीचे जूते पहनूँ चप्पल पहन, चप्पल ना चप्पल जूते जूते तो वहाँ पहनूंगा ना इवेंट में, ये क्या है, ये मेरी नहीं है मम्मा, ये दोनों अलग कर दो, ये दोनों अलग पहनूंगा, और ये तो अपनी वही पुरानी जीन्स भाई साहब, दो जीन्स तो ये रख ली, अभी नए कपड़े तो मैंने दूसरे घर से उठाने हैं, ये कपड़े आए ना तो आ जाएंगे, अभी आ जाएंगे, क्या टेंशन लेते हो, थोड़े से वहाँ से उठा लूँगा, वो वाला बैग ले जाने की जरूरत तो नहीं है, हाँ जी हाँ जी टाइम लगेगा गाइस, मुझे माफ कर देना, कभी तुम्हें लगे कि बाइक एनर्जी थोड़ी कम हो गई है, बट वी आर बैक, थोड़ा पतला हो गया शायद मैं चेक करना, आ जा भाई मॉडल, ये असली असली पतला दिखाता हूँ तुम्हें कौन हुआ, आ जा भैया अपनी सेहत दिखाओ, सेहत चेक कराओ अपनी, देखा डोला चेक करा दे अपना डोला, मम्मी का डोला तो बहुत बड़ा हुआ, हमारा तो छोटा रह गया, पब्लिक के लिए कोई मैसेज है आपका, तू ही दे मेरा नाम, मेरा नाम ही बोलना, इतना तो बोला है तुम, मैंने देखे न्यूज़ चैनल पे भी बोल रही थी,
दोस्तों में होता रहता, घर में तो नहीं हो रहा था ना, वो सड़क पे तो नहीं हो रहा था, देख रहा था मैं कल रील में चल रही थी। क्या करते रह रहे हो आप ये सब मेरे पीछे से? मगर 7 दिन के लिए इनको छोड़ के चला गया, देख कैसे होगी बता भाई मोटे। तो जब मेरी कदर पता लगी मेरी कदर पता लगी तुझे है 7 दिन क्या होगा तेरा? तो मुझे थोड़ा ढंग से रखा करो लाड़ लूड़ करके रखा करो, अपने दोरे रखा करो भैया। टाइम का कोई भरोसा नहीं है, लोगों का भी कोई भरोसा नहीं, मेरा तो भरोसा कर सकता है। अरे कैसे उदास हो रही है? हंस के तो दिखा दे भाई, इतनी हंसती रही करती। कमेंट करके बताओ दोनों की एनर्जी बहुत डाउन है, ये व्लॉग्स में दोनों हर टाइम हंसते रहते हैं, शरारती करते रहते हैं। मजा नहीं आ रहा, मजा नहीं आ रहा। ये क्या है छोड़ इसने, ये फेस हो सकता सारी चीज ले जाऊंगा भाई। हम जा रहे हैं होली के इवेंट के लिए, और अपना जो भी काम धंधा पेंडिंग रह गया था 7 दिन में जो छूटा, वो अपने वापस कैच कर रहे हैं। तो किसी को लगे कि आते ही है तो काम धंधा शुरू कर दिया भाई, और क्या करें, काम तो काम है ही। छूट गया था बड़ा नुकसान हो गया अपना ना पीछे से, पर इट्स ओके, घर वालों का साथ तो सारी चीज़ बराबर है भाई। वो लगाना सुना दे अपने, तो अपने होते सुना दे, सुना दे अपने तो सुना दे भाई ये बात तो है। देखो मैं तुम्हें एक लास्ट में ब्लॉग ख़त्म करते करते एक मैसेज दूंगा कि अच्छे टाइम में बहुत लोग साथ देंगे तुम्हारा, और बुरे टाइम में तुम्हारी फैमिली साथ देगी तुम्हारा। गलत कह दी कुछ? नहीं, परिवार तो साथ देगा पर तेरा साथ बहुत दुनिया नहीं। वो तो मुझे पता है, वो पूरे देश ने साथ दिया तेरा। मैंने देख रहा कल फ्यूजन कार्स वाले, हर बड़े बुजुर्गों ने, जो आंटी है, बुआ, चाची, मतलब जो भी तेरी लगती है पूरे देश में, सबने बहुत साथ दिया, बहुत प्यार दिया, बहुत दुआएं दी हैं तेरे। आई नो, मैं देख रहा था ऑनलाइन जितने भी काम, चलो भाई ठीक है, हम कर रहे थे, पापा कर रहे हैं, और भाई सब साथ दिया, और बच्चों ने भी उनका बहुत थैंक यू, पूरे देश ने जो दुआएं दी उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और कल मैं देख रहा फ्यूजन कार्स वाले भाई ने भंडारा कर रखा, शेर ना शेर उसने भंडारा कर रखा, कह रहा 2-2 है इस बार, ठेली 2-2। वे भाई बड़े प्यारे हैं, प्यार है। और मेरे फैन पेजेस ने भंडारा वगैरह करवाया, भाई बहुत प्यारे हो तुम सब लोग जो इस टाइम में मेरे साथ खड़े रहे, और सभी का दिल से धन्यवाद। और तो देखो मैं इससे ज़्यादा मेरे पे वर्ड्स क्या हैं जो मैं आभार व्यक्त करूं अपना कि भाई मैं कितना प्यार करता हूं आप लोगों से, पर मैं तो धन्यवाद ही बोल सकता हूं हाथ जोड़ के कि जिनने मेरे पे भरोसा रखा और भाई का साथ दिया ऐसे मिला, ऐसे टाइम में भी ना। गाना सुना दे कोई, अब कोई गाना सुना दे मोटे, वो कर दे मूड फ्रेश कर दे, कर दे। मैं तो एक ही चीज़ कहूँगी, एक दुआ में बोल दा, जो प्रार्थना है करते हैं करिए, उसमें बोल दा कहना ना करी, पूजा पूजा ना करी मेरे लिए, कोई नहीं भाई सब ने करी, मुने मुने ना सब ने प्रार्थना करी है। इट्स ओके गाइस, टाइम है, तुम्हारा भाई और स्ट्रॉन्ग होकर निकला, और भगवान करे और स्ट्रॉन्ग ही होते चले जाएं हम भी, आप भी, मेरे घर वाले भी, इन चीज़ों से तो हमें नहीं भैया सबके घर वालों को बचाएं, और चलते रहने जीवन बढ़िया अपना, मौज मस्ती में वापस बैक ऑन ट्रैक, अपने होली मना के आ रहे हैं भैया आप सभी लोगों में तरफ से हैप्पी होली। और अपना प्रोग्राम है सूरत में, आप इस व्लॉग को देख रहे हो आज तो 25 तारीख को सूरत में, मैं इंस्टा पे फॉलो कर लेना भैया जो ना कर रहा हो, वहाँ पे डिटेल दे दूँ, आ जाना भाई साथ में होली खेल लेंगे। तो व्लॉग को करते हैं ख़त्म, मैं एक ही चीज़ कहूँगी, जो भी है बड़े बुजुर्ग और जो भाई बंधु हैं सब बड़ा प्यार बनाए रखो, और इसको विशेष इसको भी देते ना थोड़ी सी, मैं भी खुश हो जाएंगी सही खुशी से। ठीक है भैया, राम राम जी, लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब, कितने दिन हो गए थे बोलने वाली चीज़, लाइक कमेंट सुनना पड़ा था, चैनल इंस्टा देख देख कर दुख। अब आ गए हैं वापस, अब कर देंगे दोबारा लाइक कमेंट शेयर। तो वीडियो हो चुकी है हमारी खत्म, व्लॉग बनाया था, मतलब अभी भी उस बंदे में इतनी एनर्जी थी, मतलब जेल से वो बाहर आया और उसने हमें हर छोटी से छोटी चीज बताई, अभी तो पूरी
पूरी प्रॉपर डिटेल नहीं थी, लेकिन जो थोड़ा बहुत हमें दिखाया उससे इसलिए मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था कि फाइनली वो जेल से बाहर आए। जो एलविश की मदर थी उन्होंने बहुत हार्ड टाइम देखे, उनके इंटरव्यूज भी मैंने देखे इंस्टा पे, आपसे रील्स भी चल रही थी, वो बहुत ज़्यादा रो रही थी। लेकिन उन्होंने कुछ ऐसे मीडिया, आपको पता है मीडिया अजीब अजीब सवाल पूछती है, नहीं एलविश की जो मदर थी उन्होंने बहुत अच्छे से उसे आंसर किया, बहुत अच्छा लगा। और सबसे बड़ी बात थी एलविश फाइनली अपने घर आया और घर का बना खाना खाया, फैमिली से मिला, स्पेशली सबसे बड़ी बात अपनी मदर से मिला जो बहुत ज़्यादा रो रही थी और बहुत मतलब बहुत ज़्यादा इमोशनल थी वो, और ऐसे ना होती। लेकिन चलो फाइनली वो दोनों एलविश बाहर आया जेल से और अब वो मतलब फिर से आम कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, फाइनली उसे देखें बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। और अभी थोड़ी दोनों ही एनर्जी बहुत डाउन है, लेकिन इंशाल्लाह सब कुछ बेहतर हो जाएगा। और बुरा टाइम सब पे आता है, जैसे एलविश ने फिल्म में बोला ये हर टाइम में सिर्फ आपकी फैमिली आपके साथ खड़ी रहती है, और ये बात सच है, आपके हर टाइम में कोई भी आपका साथ नहीं देता, सिर्फ फैमिली आपके साथ खड़ी रहती है, और कुछ दोस्त होते हैं जो बहुत ज़्यादा जो आपके साथ लॉयल होते हैं, जो आपकी लाइक वो फैमिली की तरह होते हैं, जो आपके साथ खड़े रहते हैं, लेकिन हर टाइम में कोई भी आपका साथ नहीं देता। तो एलविश ने भी अपने इस चैप्टर से, जो उन्होंने एक बहुत बुरा फेस था उनकी लाइफ में, उन्होंने इस चैप्टर जो उनकी लाइफ का ये चैप्टर था उन्होंने बहुत सारी चीज़ें सीखी। हम सबको सीखनी चाहिए अपनी लाइफ से, जो गलतियाँ हमने की हैं दोबारा हमें नहीं करनी चाहिए। और फाइनली एलविश बाहर आया, हम सब बहुत ज़्यादा खुश हैं। तो आई होप सबको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी, तो इंशाल्लाह मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी। अभी बाय बाय।